नमस्कार, मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं 13 फरवरी 2021 के पंचांग की। पंचांग शब्द 5 अंगों से मिलकर बना होता है। वे 5 प्रमुख अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, व्याकरण। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वार। वार शनिवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जो कि 24:58 तक रहेगी। यह तिथि भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि में स्किल सीखना, डांस सीखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क आदि कार्य शुभ होते हैं। इसके स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो इसके स्वामी ब्रह्मा हैं। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र जो कि 15:11 तक रहेगा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें शतभिषा नक्षत्र की तो इस नक्षत्र में 100 तारों का एक गोलाकार झुंड होता है। इसे 100 डॉक्टर के रूप में भी देखा जाता है। इस नक्षत्र से जुड़े जातक का कहीं ना कहीं मेडिसिन से जुड़ाव जरूर होता है, चाहे वह डॉक्टर बनकर हो या पेशेंट बनकर। इस नक्षत्र से जुड़े जातक का रिसर्च की तरफ भी झुकाव देखा गया है। अब हम बात करते हैं योग की। सबसे पहले शिव योग जो कि 25:31 तक रहेगा। अगर हम बात करें करण की तो बालव करण 12:42 तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण लग जाएगा जो कि 24:58 तक रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य व चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्योदय। सूर्योदय प्रातः 7:09, सूर्यास्त 18:12। सूर्य इस समय कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चंद्रदेव की तो चंद्रोदय 8:03 सुबह, चंद्रास्त 19:48। अगर हम बात करते हैं चंद्र राशि की तो चंद्र राशि कुंभ राशि है। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय व अशुभ समय की। सबसे पहले हम बात करते हैं शुभ समय में अभिजित मुहूर्त की। अभिजित मुहूर्त में अगर हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त 12:18 से और 13:03 तक रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं चौघड़िया की। सबसे पहले काल का चौघड़िया जो कि 7:09 से और 8:30 तक रहेगा। काल के बाद शुभ का चौघड़िया 8:30 से और 9:54 तक रहने वाला है। शुभ के बाद रोग का चौघड़िया जो कि 9:54 से और 11:18 तक रहने वाला है। रोग के बाद उद्वेग का चौघड़िया 11:18 से और 12:41 तक रहने वाला है। उद्वेग के बाद चर का चौघड़िया जो कि 12:41 से और 14:04 तक रहने वाला है। चर के बाद लाभ का चौघड़िया जो कि 14:04 से और 15:27 तक रहने वाला है। लाभ के बाद अमृत का चौघड़िया जो कि 15:27 से और 16:50 तक रहने वाला है। अमृत के बाद काल का चौघड़िया 16:50 से और 18:13 तक रहने वाला है। इन सभी चौघड़ियों में लाभ, शुभ व अमृत, ये तीनों चौघड़िये शुभ है। अगर हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहें तो हम इन तीनों चौघड़ियों में से कोई सा भी चौघड़िया लेकर अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य में रोग, उद्वेग व काल के चौघड़िये को शामिल नहीं किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अशुभ समय की। अशुभ समय में सबसे पहले हम बात करते हैं राहु काल की। राहु काल 9:52 से और 11:18 तक रहने वाला है। उसके बाद गुलिक काल 7:05 से और 8:30 तक रहने वाला है। किसी भी शुभ कार्य में राहु काल व गुलिक काल को हमेशा त्याज्य माना है। आइए अब हम बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन जातकों को किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो वह दिशा है पूर्व दिशा, यानी आज 13 फरवरी को जातकों को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं चंद्रबल की, यानी चंद्रमा किन किन राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि कौन कौन सी राशियां आज के दिन शुभ राशियां हैं या किन राशियों को शुभ फल मिलने वाला है। सबसे पहले मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि व कुंभ राशि, इन सभी राशियों को आज चंद्रमा अपना बल प्रदान कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर की। तो आज जो बच्चे, जो जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर रहेंगे सी, सु, से व सो। ये सभी कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और हमारे खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।